students, today we are going to read English grammar of class 6th, lesson number 22, and the topic is preposition. Okay, preposition. So students, what is preposition? Okay, as you see, prepositions दो शब्दों से मिलकर के बना है. इट्स मीन प्री एंड पोजिशन. ओके, प्री एंड पोजिशन. सो प्री मीन्स पहले एंड पोजिशन मीन्स स्थिति अवया अवस्था या फिर स्टेट. इट मीन्स पहले की अवस्था. ठीक है. सो इसका जो मीनिंग है पहले की अवस्था, ये क्यों है, वो है इसलिए बिकॉज प्रिपोजिशन में जो प्रिपोजिशंस होते हैं वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले आकर के उसका उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं कि वो चीज कैसी है, कहाँ है, किसी चीज पे ऊपर है, नीचे है, या फिर अंदर है, बाहर है, दाएं है, बाएं है, आगे है या पीछे है. एंड नाउ डेफिनेशन, अ प्रिपोजिशन मे बी डिफाइंड एज अ कनेक्टिंग वर्ड शोइंग द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. इट मीन्स जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि प्रिपोजिशन में प्रिपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसकी पोजिशन के बारे में बताते हैं. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रिपोजिशन. एंड सेकेंड थिंग, प्रिपोजिशन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का आपस में क्या संबंध है उस रिलेशनशिप को भी वो बताता है. सपोज जैसे पहले तो प्रिपोजिशन में प्रिपोजिशन है ऑन. ओके, सो द वॉल एंड क्लॉक. यहां पे क्लॉक एंड वॉल दोनों ही नाउन्स हैं. ओके, कॉमन नाउन्स हैं. और यहां पे ऑन ने आकर के ये बताया है कि क्लॉक एंड वॉल का रिलेशनशिप क्या है. सो उनका रिलेशनशिप ये है कि जो क्लॉक है वो दीवार पे लगी हुई है, उसे दीवार पे लगाया गया है. ठीक है, वो दीवार पे है. सेकेंड एग्जाम्पल, ही लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट. सो देयर इज इन इज अवर प्रिपोजिशन. सो यहां पे क्या हुआ, स्मॉल फ्लैट. ओके, फ्लैट एंड ही. सो वो रहता है एक छोटे से फ्लैट में. सो यहां पे प्रिपोजिशन ने ही एंड फ्लैट का रिलेशनशिप बताया है कि ही का फ्लैट से क्या रिलेशनशिप है. सो रिलेशनशिप है कि वो यानी कि ही फ्लैट में रहता है. ठीक है, लिव्स इन यानी कि वो उस फ्लैट के अंदर रहता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सम प्रिपोजिशंस हियर. ओके, सो अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका यूज कैसे कैसे होता है. सो ओके, फर्स्ट इज इन. ठीक है, जनरली इन प्रिपोजिशंस यूज होता है किसी चीज के अंदर के लिए, जैसे कि ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, या फिर बट ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड तब होगा जब हमारा जो ग्राउंड है वो चारों तरफ से कवर है. ओके, एंड जस्ट लाइक ही इज इन द ओके, ही इज इन द हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल में है, यानी कि हॉस्पिटल चारों तरफ से कवर्ड है और वो हॉस्पिटल के अंदर है. ठीक है, फर्स्ट तो हम इन इसके लिए यूज करते हैं. सेकेंडली हम यूज करते हैं ईयर्स से पहले, यानी कि सालों से पहले, जैसे इन 2004 या फिर इन 1994. तो जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो भी हम उसके आगे इन का यूज करते हैं. ओके, और इन यहां पे यूज होता है एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. नेक्स्ट है ऑन. सो ऑन भी हमारा हम दो तरह से यूज करते हैं. एक तो हम उसकी पोजीशन को बताते हैं, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्टेट है, और दूसरा टाइम के लिए भी हम इसे यूज करते हैं. लाइक द बुक इज ऑन द टेबल. ओके,
सो द बुक इज ऑन द टेबल. बट जब कोई चीज किसी सरफेस से लाइक दिस इज ये हमारी बुक है, तो अगर ये चौक इसके ऊपर है तो हम बोलेंगे द चौक इज ऑन द बुक. बट जो ये बुक है ये इसको टच हो रही है, इसलिए हम इसे यूज करेंगे यहाँ पे ऑन. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज ऑन. सेकेंड है ऑन का यूज एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, लाइक ऑन मंडे. ओके, ऑन मंडे या फिर ऑन ट्यूजडे, ऑन वेडनेसडे. तो यहां पर भी हम ऑन का यूज टाइम के लिए करते हैं. एंड अगर हम कोई डेट बता रहे हैं जैसे 19 सितंबर, सो उसके आगे भी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि ऑन यूज कर सकते हैं. ऑन 19 सितंबर आई विल गो टू माय विलेज या फिर कुछ भी. नेक्स्ट है अंडर. ओके, अंडर हम यूज करते हैं किसी भी चीज की पोजिशन को दिखाने के लिए. अंडर मीन्स होता है किसी भी चीज के नीचे. ओके, लाइक ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ओके, वो बैठा हुआ है लेकिन कहां, एक पेड़ के नीचे. सो इसको हम कहेंगे कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर एक पेड़ है ओके, और एक जो छोटी सी बर्ड है वो उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है. ओके, तो हम यहां पर यूज करेंगे द बर्ड इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ओके, अंडर अ ट्री. बट अगर वो ही चिड़िया एक ब्रांच में बैठी हुई है, ओके सपोज वो एक ब्रांच पे है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच. ओके, ऑन द ब्रांच. बट अगर वही चिड़िया उस पेड़ पे अपने एक नेस्ट के अंदर बैठी हुई है, तो हम बोलेंगे द बर्ड इज सिटिंग इन द नेस्ट. ठीक है, वो यानी कि नेस्ट के अंदर वो बैठी हुई है. नेक्स्ट है ओवर. ओवर मीन्स ऊपर या के ऊपर. सो ओवर हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज के ऊपर से जा रहे हैं, लाइक ब्रिज. ओके, जैसे कोई ब्रिज है, पुल है. ओके, सो अगर हमें यहां से यहां जाना है तो हम बोलेंगे ही इज गोइंग ओवर द ब्रिज. ठीक है, कि वो पुल के ऊपर जा रहा है. ओके, एंड ओवर हम दूसरी चीज यूज इसलिए भी करते हैं ऊपर बताने के लिए, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. ओके, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. बट ओवर हम यूज तब करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ठीक ऊपर है, लाइक यहाँ पे बर्ड्स हैं, तब हम यूज करेंगे ओवर. ओके स्टूडेंट्स, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एट. सो एट इज ऑल्सो यूज एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सॉरी प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एट में हम जगह की बात करते हैं. ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, और ही इज नाउ ही इज एट हिज होम, कि अभी वो अपने घर पर है. सो एट को हम यूज करते हैं जब कोई कहीं पे होता है, बट वो हम उस चीज के अंदर नहीं जा सकते, उस चीज के ऊपर नहीं हो सकते. जैसे ही इज एट द बस स्टॉप, तो हम बस स्टॉप में हैं. ठीक है, यानी कि बस स्टॉप पे हम खड़े हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स वी हैव सम अनदर प्रीपोजिशंस हियर, इनटू, अपॉन, अबव एंड ओवर. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट इज प्रीपोजिशन इनटू. ओके, इनटू हमारा इन से ही मिलकर के बना है, आई एन इन एन टी ओ टू. सो इनटू का यूज हम कब करेंगे, व्हेन वी यूज इनटू इन द सेंटेंस, व्हेन आवर सब्जेक्ट इज इन मोशन. ओके, जब हमारा सब्जेक्ट जो है एक मोशन में होगा, देन दैट टाइम वी यूज प्रीपोजिशन इनटू. फॉर एग्जांपल, राम इज स्विमिंग इनटू द रिवर. राम इज स्विमिंग इनटू द रिवर. राम नदी में तैर रहा है. सो इसमें हमने इनटू इसलिए यूज किया बिकॉज राम इज इन मोशन. राम अभी मोशन में है, वो गति कर रहा है और वो स्विमिंग कर रहा है. दैट्स व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन इनटू हियर. नेक्स्ट इज अपॉन. अपॉन भी इनटू से ही मिलता जुलता है. ओके, द लेपर्ड स्प्रैंग अपॉन द कार्प. अब इसमें भी वही है, सेम है. जब जैसे कि जो लेपर्ड है, ओके, लेपर्ड स्प्रैंग, स्प्रैंग मीन झपटना, अपॉन द कार्प.
अब यहाँ पर लेपर्ड भी मोशन में है और वो काफ पे झपट रहा है. दैट्स व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन अपॉन हियर. ओके, नेक्स्ट इज एबो. एबो मीन्स ऊपर. द प्लेन फ्लू एबो द क्लाउड्स. सो यहाँ पे हमने यूज किया एबो. एबो मीन्स होता है ऊपर. बट वेन वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट द डायरेक्शन. ओके, जब हम डायरेक्शन के बारे में ज्यादा हम सटीक नहीं होते कि वो क्लाउड्स के ठीक ऊपर उड़ रहा है प्लेन या फिर कहीं इधर उधर. ठीक है, तो अगर ठीक ऊपर नहीं उड़ रहा है, वो क्लाउड्स के आसपास ही उड़ रहा है एरोप्लेन, देन हम उसमें यूज कर सकते हैं क्या प्रीपोजिशन एबो. ओके, नेक्स्ट इज ओवर. अभी मैं आपको ओवर एंड एबो के बीच में डिफरेंस बताऊंगी. ओवर मीन्स भी होता है ऊपर, एबो मीन्स भी होता है ऊपर. द शेल्फ्स आर ओवर द सिंक. जो शेल्फ्स हैं, ठीक है, शेल्फ्स आपने देखोगे अलमारी के खाने, वो सिंक के ऊपर हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबो एंड ओवर. सो अगर हमारा जो कोई सिंक है, ओके, ये हमारा हाथ धोने का सिंक है. सो अगर वो जो शेल्फ्स हैं वो सिंक के ठीक ऊपर होंगे, ओके, ठीक ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर, तब हम यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन ओवर. ओके, बट अगर शेल्फ हमारे सिंक के ऊपर है बट नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, वो एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, देन वी यूज प्रीपोजिशन एबो. ओके स्टूडेंट्स, जब ठीक ऊपर होता है तब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ओवर, बट अगर वो दाएं बाएं होता है, डेफिनेट ऊपर नहीं होता है, देन वी यूज प्रीपोजिशन एबो. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. सम एक्सरसाइज आर हियर इन योर बुक. देन सॉल्व दिस एक्सरसाइज बाय योर सेल्फ एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.